हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से अनऑथोराइज एब्सेंट ये क्या होता है, इससे रिलेटेड डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। अनऑथोराइज एब्सेंट ये होता है कि जैसे अगर आप लीव वगैरह के लिए जो है, जैसे छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है जो भी कंसर्न ऑफिशियल है या ऑफिसर है, अगर वो आपके लीव को जो है अगर स्वीकृत नहीं करता है, सेंक्शन नहीं करता है, उसके बावजूद भी आपका लीव जो है स्वीकृत नहीं हुआ है, सेंक्शन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आप एक्चुअली घर चले गए, तो उसको अनऑथोराइज एब्सेंट माना जाता है। तो वैसे केसेस में क्या है, आपके जो मास्टर सीट है जहाँ पे अटेंडेंस बनता है तो उसमें एब्सेंट लगा देगा। एब्सेंट लगाने के बाद क्या है, जैसे दो चार रोज़ के अंदर अगर आ गए तब तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, और अगर काफ़ी लंबा दिन अगर आप चले जाते हैं और जैसे 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ इस तरीके का अगर एब्सेंट हो जाते हैं, तो वैसे केस में क्या है, आपके अगेंस्ट जो है वो DAR जो होता है, डिसिप्लिन अपील रूल, या जिसको SF-11 वगैरह भी बोला जाता है, चार्जशीट वगैरह भी जो है आपकी कंसर्न जो ऑफिसर वगैरह जो है वो इनिशिएट कर सकता है, आपके ऊपर जो है चार्जशीट भी आपको दे सकता है कि आप अनऑथोराइज बिना परमिशन के जो है आप एब्सेंट जो हुए थे उसका क्या कारण है। तो उसके जो SF-11 अगर आपको इशू किया जाता है तो उसके बाद जो है आपको जो है उसका जवाब देना है। अगर आपके जवाब से अगर संतुष्ट हो जाता है तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा, फिर आपका जो भी कंसर्न चार्जशीट वगैरह इशू हुआ है वो फिर एक्चुअली वापस ले लिया जाता है। अगर आपका आपके ऊपर अगर लगता है कि आपकी वजह से कोई काम में समस्या हुई है तो आपको चार्जशीट इशू करेगा, जैसे कुछ सालों के लिए इंक्रीमेंट बंद कर देगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या पास बंद कर सकता है, पास PTO, या इसके अलावा जो है और भी कुछ एक्शन ले सकता है। वो डिपेंड करता है आपके जो कंसर्न ऑफिसर है वो उनको क्या आपके जाने से क्या कोई इशू हुआ है कि नहीं, आपके सेक्शन में या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसमें कोई समस्या अगर हुई है तो आपके अगेंस्ट चार्जशीट वगैरह इशू कर सकता है। इसी को अनऑथोराइज एब्सेंट बोलते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है अनऑथोराइज एब्सेंट से रिलेटेड डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया। अगर आपको चैनल का अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।